शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार एम के मड़वी ने सोमवार को अपना नामांकन फॉर्म भरते ही नाइक परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता एक ही परिवार के शासन से तंग आ चुकी है और वह बदलाव के लिए वोट करना चाहती है। उस परिवार ने कभी भी जनता का विचार नहीं किया, सिर्फ अपना और अपने लोगों का भला किया। इसका जीता जाता उदाहरण इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, जब पिता एक पार्टी से और बेटा दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। मैंने नगर सेवक रहते हुए जनता के लिए अनेक काम किए हैं, जिससे जनता का पूरा मेरे ऊपर विश्वास है, इसलिए वह इस चुनाव में मुझे आशीर्वाद अवश्य देगी। साहब जी, बहुत से मुद्दे हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है कि नई मुंबई में नहीं रहा। गए 35 साल से, गए 25 साल के साल से ये नई मुंबई में एक ही परिवार यहाँ पे सत्ता का राज उपभोग ले रही है। उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हमारे जो भूमिपुत्र है, मैं शहरी आयोग पे भी आऊँगा, हमारे झोपड़पट्टी जो गोर गरीब जनता है वहाँ पे भी आऊँगा। गए 35 साल से 36 साल से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम भूमिपुत्र लोग हैं, भूमिपुत्रों की जमा जगह सिडको को गई है, MRDC ने ली हुई है और GR है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि हर गांव को खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, देना चाहिए। गए 25 से 35 साल से एक ही परिवार ने एक भी मैदान नहीं दिया। उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, हमारे गोटुली गांव में एक कीर्ति मैदान है, हर टाइम में हमारे गांव के बच्चे उसमें, मैं भी था, टूर्नामेंट की ओपनिंग में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही परिवार के लोगों को हम लोग बुलाते थे, बुलाने के टाइम में भूमि पूजन किया। एक ही बात, 6 महीने में काम हो रहा है, मैदान मिल रहा है, मिल गया, सब हो गया है। 35 साल लगाए, कुछ नहीं किया। MK मडवी हमारे लोग भूमिपुत्र शिवसेना निष्ठावंत शिवसैनिक भूमिपुत्र, उसमें फिर सूर्यकांत मडवी होंगे, मैं, हमारे जो जिला प्रमुख थे द्वारकानाथ भोईर साहब, इनके अलावा हमारे गांव के बच्चे लोगों को लेकर हमारे नेता जिनके इसमें धमक है काम करने की, वो राजन जी विचारे साहब, उनके पास हम लोग डेलीगेशन लेके गए। डेलीगेशन लेके जाने के बाद में सिर्फ 6 महीने के अंदर जिन्होंने 35 साल लगाया, और राजन जी विचारे साहब ने, हमने उस वक्त हमारे आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब CM थे, मुख्यमंत्री थे, 6 महीने के अंदर हमारे गोटोली गांव का जो मैदान है 15,000 स्क्वायर मीटर का, वो उन्होंने 6 महीने के अंदर मिला के दिया। ये काम होता है, सिर्फ गाजर देने का, गाजर दिखाने का और गाजर खुद खाने का काम किया है। तो वहाँ पे मैदान भी मिल गया, वहाँ पे स्टेडियम की जैसा भी बन गया हुआ है। तो ये काम करने की रणनीति है, सिर्फ वचन देना, लेटर देना और भूल जाना, दूसरा काम करेगा तो फिर बाद में वो लगा, अरे ये तो हम लेटर दिया था, लेटर दे के अगर काम होता था तो आज जो परिस्थिति हो गई, सन्माननीय, मैं सन्माननीय बोलूँगा, मैं उनका आदर करता हूँ, वो और उनका बेटा क्या कर रहे हैं। नई मुंबई की जनता ये नहीं चाहती है, वो लोग नई मुंबई को नहीं चाहती, नई मुंबई की जनता को नहीं चाहती है, ना नेता को चाहती है, ना पक्ष को चाहती है, सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसके सिवा कुछ नहीं। अभी आप लोगों ने देखा ना, एक तुतारी में जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, तो ये पॉलिटिक्स नहीं होता है। लोगों ने प्यार दिया, विश्वास दिया, तो विश्वास के ऊपर अटल होना चाहिए। हमें कितनी भी दिक्कतें आई कि हम रह गए ना, तो यही होता है, समाज के प्रति प्यार होना चाहिए, समाज को कुछ देना चाहिए। शहरी युवा के लिए कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ करना है शहरी युवा के लिए। मैंने पहले भी, मैंने मराठी के इसमें मैंने आह्वान दिया है, उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में से जहाँ जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ पे 5 लाख दिया, पूरा बस स्टैंड उधर का एरिया मेरी प्रॉपर्टी समझ के सब एडवर्टाइज किया। एक बड़ा प्रकल्प दिखाई है, घर में खासदार था, खासदार थे, आमदार थे, मंत्री थे, तो कितना बड़ा वहाँ से फंड्स लेके आके बड़े बड़े प्रोजेक्ट देने थे, एक दिखाई ऐसा उन्होंने बोलना चाहिए कि मैंने ये दे दिया नई मुंबई के लिए, कुछ नहीं दिया। और रह गई हमारे
झोपड़पट्टी विभाग की, कितने सालों से बोल रहा है मैं इशारे के छोड़ो, मैं परमानेंट कर दूंगा झोपड़पट्टी, मैं ये दूंगा वो दूंगा, आज तक कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, शहरी विभाग होने दो, हमारा झोपड़पट्टी विभाग होने दीजिए, हमारा भूमिपुत्र होने दीजिए, वहाँ पे एमके मरवी काम ज़्यादा करेगा, बात कम करेगा। वहाँ पे भूमिपुत्रों का, लोगों का जो मकान है, जो घर है, वो उन्होंने जो अपने गर्जे पोटी जो मकान बने हुए वो परमानेंट किए बिना एमके मरवी शांति नहीं बैठेगा, शहरी लोगों को सुविधा दिए बिना शांति नहीं बैठूंगा। और हमारे झोपड़पट्टी विभाग में जो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से जो योजनाएँ है, ये पूरी योजना यहाँ पे लेके आएंगे, और मुझे भरोसा है 100% गारंटी है कि इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी आएगी आएगी, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो शेतकरी होने दो, हमारा युवक होने दो, युवती होने दो, कामगार होने दो, सभी को न्याय मिलेगा।